दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आया हूँ जो ना आज तक आपने कभी सीखा होगा, ना देखा होगा, और ना कोई सिखा रहा है, ना कहीं इंस्टीट्यूट में सिखा रहे हैं, और ना आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेगा। आज का ये मौका है, इसको अगर आपने मिस कर दिया तो एक्सेल में ऐसा कंटेंट आप कभी नहीं सीख पाओगे। दोस्तों, ये कंटेंट आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। अगर आप एक्सलर है और आपको एडवांस एक्सल आता है तो आपको सिर्फ एरे लगाना आता है। आपको ये नहीं पता कि एरे कैसे काम आता है, एरे से क्या कर सकते हैं, एरे कैसे यूज लिया जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैंने एरे के बारे में घुस घुस के डीपली में जाकर के नॉलेज दी है जो जिसको आप आप अच्छे कभी से नहीं समझ समझ पाओगे। पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है आज। मैंने मेरा 100% लगाया इसके अंदर आपको सिखाने के लिए। अगर आपको लगता है ऐसा आपने कभी देख रखा है या सीख रखा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। तो चलिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो में मैं आपको हर चीज़ डीपली से बताऊंगा। चलिए आगे वीडियो देखते हैं और मैं शुरू करता हूँ वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ नाम इस टाइप से लिख रखे हैं। अभी मैं आपको करके बताने वाला हूँ कि एरे किस टाइप से काम करता है, कितना पावरफुल है, और मैं कितनी तरह से इन नामों को लेकर के आ सकता हूँ। जैसे इंडेक्स, और मैंने एरे सेलेक्ट किया ये रो में फर्स्ट और कॉलम टू। ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ला करके यह आपको दिखा देगा। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये देखिए, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि एरे किस कैसे काम करता है। एरे के साथ अपन काम करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको एरे के बारे में। आज आप सब कुछ सीख के जाने वाले हैं। इंडेक्स, मैंने एरे सेलेक्ट करके यहाँ कोमा लगा दी। कोमा के बाद में मैं यहाँ पे रो में किस तरह से लेके आऊँगा, देखना। वन सेमी कॉलन वन सेमी कॉलन वन सेमी कॉलन टू सेमी कॉलन टू सेमी कॉलन टू, ये देखिए। फिर कोमा, और मैं कॉलम के अंदर वही लेके आऊँगा, वन कोमा सेमी कॉलन टू सेमी कॉलन थ्री सेमी कोलन वन सेमी कोलन टू सेमी कोलन थ्री। अब ये देखिए, मेरे पास रो है दो, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है वन 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 टू टू टू, और कॉलम है मेरे पास तीन, तो मैंने डाला है वन टू थ्री, और देखिए ये इस तरह से आ गया, वन वन और टू टू टू। पहले फर्स्ट रो के जो भी नाम है वो पहले आ गए, उसके बाद में सेकेंड रो के जो भी नाम है वो बाद में आ गए। अब आगे देखिएगा, इस वैल्यू को अपन कुछ ऐसे लेके आएंगे आगे, एक रो की साइड में जो यहाँ पे आ जाएगा। ये इसके लिए अपन करते हैं, देखिए, जैसे ये सेमी कोलन को हटा के कोमा वन वन कोमा टू और यहाँ पे भी कोमा कोमा सेमी कोलन को हटा करके सब में कोमा डाल देंगे। तो देखिए, अभी सारा रिजल्ट सामने आ गया। अब इसके अंदर देखिए अपन क्या करेंगे, या वन सेमी कोलन टू सेमी कोलन वन सेमी कोलन टू सेमी कोलन वन सेमी कोलन टू, और इसको कर देते हैं अपन वन टू थ्री, सिर्फ वन टू थ्री, और देखिएगा कुछ इस तरह से ये आ गया। तीन बार ये रो कॉपी हो गई। आगे आगे देखते हैं कैसे कैसे एरे काम करता है। जैसे अगर आपको खुद को एरे की नॉलेज है तो आप अपनी खुद की प्रॉब्लम खुद से शॉर्ट आउट कर सकते हैं ना। एडवांस एक्सेल का सबसे बड़ा पार्ट है एरे, जो आप किसी भी फॉर्मूले में कहीं पे भी कैसे भी कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करते हो, उसमें हर में एरे काम आता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने सब में
कोमा दे दिया, 1, 2, 1, 2, 1, 2, और आगे कॉलम के अंदर मैंने डाल दिया 1, 2, 3, और आप देखिए कुछ इस तरह से आ गया है। इसमें देखिए ऊपर वाली रो की जो वैल्यू है वो कॉलम फर्स्ट आ गई, फिर सेकंड रो की है वो यहाँ आ गई, इस तरह से इसकी भी 3 कॉपी बन गई। जैसे अपन क्या करते थे, इनको इसी तरह से पेस्ट करने के लिए अपन इनको पहले कॉपी करते थे, फिर यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज करते थे, फिर कॉपी करते, फिर पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज करते, ऐसे 3 कॉपी बनाते। आप एरे से जैसा रिजल्ट चाहे वैसा रिजल्ट ला सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई ये वैल्यू है और इस वैल्यू की मैं अगर सम करता हूँ, तो देखिए सम करने के लिए कुछ इस तरह से सम करने में, और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसी चीज़ समझाने जा रहा हूँ जो आपको आती है लेकिन अंदर से इसकी गहराई नहीं पता हो आपको। इसलिए जैसे मैं आपको यहाँ पे सम करूँगा, सम करने के लिए मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा और ये मेरा रिज़ल्ट आ गया। इस रिज़ल्ट को कुछ देखना आप, जैसे मैं F9 फ्रेश करूँगा तो ये अंदर अंदर दिखाएगा 2, 2, 2, समझे आप। कोमा से मतलब है कि ये एक रो के अंदर चलेगा, बिल्कुल रो में जाएगा। अब जैसे मैं सम करूँगा, इस कॉलम्स का सम करूँगा, तो देखिए आप, अब इसको आप F9 फ्रेश करके देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेमी कॉलन आ रहा है। क्या रहा है, सेमी कॉलन। आप मेरे कहने का अर्थ समझिए, जब सम करते हैं तो एक रो का सम करते हैं तो कोमा आती है, और एक कॉलम का सम करते हैं तो सेमी कॉलन आते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स फॉर्मूला यूज़ किया और मैंने ये एरे सेलेक्ट कर लिया। एरे सेलेक्ट करके पहले मैं आपको यहाँ पे आपका बेसिक क्लियर करता हूँ। रो के अंदर रो कितनी है, अपने पास 2 रो है, तो 1, 2, ये हो गया रो का काम हो गया यहाँ पे। फिर कोमा, कॉलम है जो है वो 3 कॉलम है, तो 1, 2, 3। और देखिए ये जैसा था वैसा का वैसा रिजल्ट नीचे आ गया। ये करेगा क्या, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला आपने दिया ये पहली रो के बाद में आपने दिया सेमी कॉलन, जब तक ये आगे नहीं जाएगा जब तक ये सेकंड पार्ट को पूरा नहीं कर लेगा। पहला कॉलन जब आपने दिया है उसके बाद में सेमी कॉलन डाला है तो पहले ये सेकंड पार्ट को पूरा करेगा। जैसे पहले कॉलम के अंदर जैसे राजेश नाम दे रखा है तो राजेश, उसके बाद में सेकंड पार्ट में दूसरे कॉलम के अंदर मनोज मोहन नाम दे रखा है तो पहले ये मोहन को लेगा, उसके बाद में थर्ड नेम पे जो राहुल नाम दे रखा है उसको लेगा, उसके बाद में सेकंड पार्ट पूरा करके फिर ये सेमी कॉलन के बाद में सेकंड रो पे आएगा, और सेम वैसे के वैसे ही जैसे ऊपर वाला चला है वैसे के वैसे ये चलेगा। सेम आपको पहले ही मैंने बता दिया है, सेमी कॉलन जब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक सेकंड पार्ट पूरा नहीं कर लेगा, क्योंकि सेमी कॉलन कॉलम के अनुसार चला और कोमा रो के अनुसार चलेगा। देखिए अब दोनों जगह मैंने कोमा कर दी है तो कोमा क्या करेगा, दोनों एक साथ साथ चलेगा। अगर दोनों में सेमी कॉलन हो तो दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों में कोमा हो तो दोनों एक साथ चलेंगे, कोमा और सेमी कॉलन हो तो दोनों ऊपर नीचे चलेंगे। अब देखिएगा ये करेगा क्या, जैसे ये यहाँ पे एरर दे दिया। अब ये करेगा क्या, देखिए पहली रो पहला कॉलम ये राजेश कुमार को यहाँ डाल दिया। अब ये करेगा क्या, देखिए मैंने पहले ही बताया कोमा है दोनों में, रो और कॉलम दोनों में, तो दोनों एक साथ चलेंगे, तो ये दूसरी रो दूसरा कॉलम नीरज आ गया। अब तीसरी रो है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे इसने एरर दे दी। अगर मैं यहाँ पे तीसरी रो दूंगा तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये रेफ्रेश इधर आ जाएगा और ये एरर आ जाएगा। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे एक कोमा की जगह सेमी कॉलन कर दूँ, जैसे ये कॉलम वाला पार्ट है सेकंड पार्ट जिसमें मैं कोमा की जगह सेमी कॉलन कर दूँ, तो अब ये क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दोनों में कोमा होगा तो दोनों एक साथ चलेगा।
अगर दोनों में सेमी कॉलन लगा है तो भी दोनों एक साथ चलेंगे। अगर यहाँ पे कोमा लगी है और आगे दोनों में सेमी कॉलन लगा है तो क्या करेगा? पहले फर्स्ट वाले के अंदर सेकंड पार्ट को पूरा करेगा, पहली रो में जो आगे सेकंड पार्ट है उसको पूरा करेगा। देखिए पहली कॉलम, पहली रो के अंदर आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम लिया है, फिर दूसरी रो के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम लिया है। तो इस तरह से ये अपना रिजल्ट दिखाएगा। जैसे देखिए पहला रो और पहला कॉलम राजेश कुमार आ गया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम मोहन कुमार आ गया, फिर पहले रो तीसरा कॉलम राहुल शर्मा आ गया, फिर आगे सेकंड पार्ट में फिर ये आगे जाएगा कोमा के बाद में सेकंड रो के अंदर, सेकंड रो में जा करके फिर उसी तरीके से सेकंड पार्ट को पूरा करेगा। जैसे सेकंड रो के अंदर पहले रेनू और पहला कॉलम, सेकंड रो का पहला कॉलम रेनू, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम नीरज, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम रेनू का। और अगर मैं इसको अब चेंज कर दूँ, जैसे कोमा की जगह मैं सेमी कॉलन लगा दूँ, और देखिए जैसे दोनों में अब सेमी कॉलन है तो मैंने पहले ही आपको बताया अगर कोमा कोमा है तो एक साथ चलेगा, सेमी कॉलन है तो एक साथ चलेगा। तो यहाँ पे क्या किया, सेमी कॉलन है तो दोनों एक साथ नीचे आ गए, जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, उसके बाद में सेकंड रो सेकंड कॉलम नीरज आ गया, और थर्ड रो है नहीं, थर्ड कॉलम है तो वहाँ पर ये एरर आ गया। अब देखिए मैं अगर सेकंड पार्ट के अंदर सेमी कॉलन की जगह कोमा कर दूं तो अब ये क्या करेगा, अब ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा, पहले रो के अंदर फिर ये सेकंड पार्ट को पूरा करेगा, पहली वाली रो और फिर आगे ये सेकंड पार्ट पूरा करेगा। जैसे देखिए अब मैं इसको एंटर करूं तो ये कुछ इस तरह से रिजल्ट देगा। देखिए पहली रो उसके बाद में आगे सेकंड पार्ट पूरा करेगा, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये इस तरह से काम करेगा। अब मान लीजिए मुझे ये वैल्यू भी आगे रो के अंदर चाहिए, रो में चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, रो के लिए कोमा लगाएंगे, दोनों में ही फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों में कोमा लगाएंगे तो दोनों एक साथ चलेगी, और कोमा चलती है वो रो में चलती है, सेमी कॉलन चलता है वो कॉलन में चलता है। मैं दोनों में ही यहाँ पर कोमा लगा दूँगा, जैसे फर्स्ट कोमा 1 1 कोमा 1 ऐसे करके फर्स्ट वाला पूरा कर दूंगा रो, और उसके बाद में कोमा टू और यहाँ पे सेमी कॉलन बंद कर देंगे, और फिर उसके बाद में अपन कॉलम में क्या देंगे, कॉलम के अंदर 1 कोमा 2 कोमा 3 और फिर 1 कोमा 2 कोमा 3 और ब्रैकेट बंद। अब ये क्या करेगा, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, और फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये इस तरह से एक साथ चलेगा। और क्योंकि कोमा लगा रखी है तो ये नीचे नहीं जाएगा, एक ही रो के अंदर आएगा सारा का सारा रिजल्ट। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा एक साथ। क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट में सेमी कॉलन लगाऊँगा तो मुझे ये दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट सेमी कॉलन, टू सेमी कॉलन, थ्री। अब क्या करेगा, ये पहली रो फिर उसके बाद में ये सेकंड पार्ट पूरा करेगा, पहली रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फिर पहली रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। देखिए 1 1 1 ये तीन बार लिख रखा है, तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू को तीन बार डालेगा, यानी ये पहला रो पहला दूसरा तीसरा कॉलम, पहला रो पहला दूसरा तीसरा कॉलम इस तरह से आएगी। और ये देखिए ये कुछ इस तरह से आ गई। अब देखिए मैंने क्या बोला था, पहला रो पहला कॉलम राजेश आया, पहला रो दूसरा कॉलम मोहन आया, पहला रो तीसरा कॉलम राहुल आया, फिर आगे फिर से वन लिया है तो वही वापस रिपीट होगा, पहला रो पहला दूसरा कॉलम, फिर दोबारा तीसरी बार वन लिया है तो वापस वही आया, पहला रो पहला दूसरा तीसरा कॉलम, उसके बाद में फिर सेकंड रो पे आएंगे, फिर आगे वापस ये सेकंड पार्ट पूरा करेगा, फिर सेकंड रो में आएंगे, फिर सेकंड पार्ट पूरा करेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये कुछ आइडिया लिए 2 3 4 ऐसे करके, और इनके मैंने नाम डाल दिए राहुल श्याम मोहन,
और मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू लेके आनी है। नीचे ये एक आईडी है और मुझे इसकी वैल्यू लेके आनी है। तो अपन क्या करते हैं, वी लुकअप से, हाँ लुकअप वैल्यू और टेबल एरे, टेबल एरे ये है और कर्ली ब्रैकेट। तो मुझे एक बार मैं इसमें एक सिटी नेम और डाल लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने इनका सिटी नेम भी यहाँ पे डाल लिया है, लखनऊ दिल्ली कानपुर। और अब मैं इस आईडी की जो दोनों वैल्यू है उसको एक साथ लेके आऊँगा, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे और कॉलम इंडेक्स के अंदर मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट 1,2। आज तक अपन ने सिर्फ यही देखा है कि 1,2, लेकिन इसको जो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर था वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। 1,2 इसीलिए है कि ये नेक्स्ट कॉलम में जाएगी। कोमा का मतलब है नेक्स्ट कॉलम में वैल्यू आएगी। और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट कर दूंगा तो वैल्यू है जो नेक्स्ट सेल में आएगी। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और आगे इसको डायनेमिक बनाना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको डायनेमिक कैसे बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।